सर सर, ये एक्टर है, ये राइटर है और ये घर उन्हीं का है सर। ये gloves.
ठीक है सर। पता है हेडक्वार्टर्स में भी कोरोना आ गया है। इतना दुष्ट कैसे हो सकता है ये कोरोना? इस कोरोना की वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। सर यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग रहते थे सर, और ये दोनों भी फिल्मों में काम करते थे। उसमें से एक राइटर था और एक एक्टर था। यही है वो राइटर सर। इसके माता पिता यूएस में रहते हैं इसके भाई के पास, और ये घर भी उन्हीं का है सर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिया क्या? वो कुछ बोल नहीं रहा है सर। किसने इन्फॉर्म किया था? पड़ोस का लड़का है सर। बुलाऊं क्या उसे सर? ओके सर। ए सर, वो सामने वाली खिड़की से एक लड़का देख रहा था, उसको उठा कर लिया। ओके सर। ये सब कैसे हुआ? मैंने मारा, मैंने ही मार दिया। लेकिन क्यों मारना पड़ा? क्या लगता है तेरा? मेरी पत्नी, आर यू श्योर? हाँ, ये मेरी पत्नी ही है। आर यू गे? नहीं। नाम क्या है तेरा? करता क्या है? पता लगाओ कि ये बाल किसका है। ओके सर। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखो, कौन आया कौन गया, एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक है सर। मेनली लड़कियां। श्योर सर। ओके। ठीक है सर। ये लेकर जाओ, फॉरेंसिक वालों को दे देना। ओके सर। जाओ अब। क्या है? सर ने बुलाया है। ऊपर चले जाओ। ओके सर। सर, सर क्या बात है? तू हमें चुप चुप के क्यों देख रहा था? सर वो पुलिस वाले क्यों आए हैं? तुझे पता नहीं है क्यों आए हैं? पता है सर, पर कब से रह रहा तू यहां? 10 साल से सर। इन्हें जानता है क्या? नहीं जानता सर, पर बीच में इन्हें देखता हूं सर, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस आते वक्त। बस कभी कोई अजीब आवाज सुनाई दी यहां से? आवाज तो सर नहीं सुनाई दी सर। रात कितने बजे सोया था तू? 10 बजे सो गया था सर। और सुबह उठा कितने बजे? 5, शायद 5:30 बजे सर। इस पेंटिंग के बारे में कुछ पता है?
नहीं पता सर। जानता है इसे किसने बनाया? नहीं पता सर। 1920 पिकासो, वर्ल्ड फेमस पेंटर था वो। रात कितने बजे सोया था? 11:30 को सर। अभी भी तूने 10 कहा था सर। तू रात भर कर क्या रहा था सर? वो तेरी शक्ल देखते ही समझ गया था तू रात भर जाग रहा था ना सर। घर में भूत है सर। कुछ 4 दिन पहले सफेद साड़ी, खुले हुए बाल, यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा था सर। जब से वो देखा मुझे नींद नहीं आ रही है सर। ये सब वही कर रही है सर। सच में सर, कुछ 2 साल पहले हस्बैंड एंड वाइफ अचानक से मर गए थे सर। ये सब वही कर रहे हैं सर। सर 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 वो ऊपर। अब तू जा यहां से, बाकी देख लेंगे हम। ओके सर। सर यही है सर जिसने इन्फॉर्मेशन दिया था। हेलो सर। करता क्या है तू? बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ सर। कब देखा था तूने? सर वो 4:30-5 के बीच में देखा था सर। 4:30 या 5? वो 4:30-4:30 को देखा था सर। उस टाइम तू कर क्या रहा था? सर वो आवाज आया था इसलिए देखने आया था सर। घर तो लॉक था तो फिर अंदर कैसे आया तू? सर वो खिड़की से देखा था सर। कौन सी खिड़की? उस खिड़की से। ये मार्बल किस कंट्री का है पता है? पता नहीं सर। अच्छा इसका रेट पता है क्या तुझे? नहीं पता सर। ये इटालियन मार्बल है। 1 square feet का 20,000। कहां से देखा था तूने? बालकनी से सर। खिड़की से देखा था सर। किसी और भी जगह से देखा था? सच में सर उस खिड़की से देखा था सर। तू अपने आप बोलेगा या उगलवाऊं मैं तुझसे? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूं सर। तो जितना पता है उतना तो बता दे, बाकी का मैं तुझसे उगलवा लूंगा। सर 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 वो बताता हूं सर। मैं एक्चुअली सर हुआ यू की लॉकडाउन में अंदर डालकर कुंडी क्यों लगा दिया बे?
रात को तू डल्ली हो गया था, दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए तुझे अंदर बंद कर दिया। बेवकूफ कहीं का। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 एक ही दिन कहा था ना, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ए, उसमें से एक बोतल का पैसा मैंने दिया था, वो दे दे। अच्छा एक सेकेंड। ए, इन पैसों का क्या करूं? जाके दारू खरीद के ले गया। दारू तेरा बाप बेच रहा है क्या? ए, अच्छे से मैंने पैसे दिए ना, फट से ले ले, या फिर दारू पैसे दोनों हाथ से जाएंगे। अरे बाप रे। ए, 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 मार यार, बुलेट कहाँ है? मारना यार। अरे जल्दी कर। हाँ हाँ जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी कर। बुलेट्स मारा, मारना मारा, बुलेट्स मारा। बुलेट खत्म हो गई यार। मारा रे मैंने, मारा। ए एक्टर क्या कर रहा है? रिवाइव करने को कहा था तो। आओ अरे 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 यार यार मर 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 मर। अब उठेगा कि सोया ही रहेगा तू? क्यों बे, तूने चालू भी कर दिया क्या? और क्या काम है भाई अभी अपने पास? ऐसे तो एक महीना निकालना मुश्किल है यार। तेरे लिए क्या मुश्किल है बे? रहने के लिए इतना बड़ा घर है, खाने के लिए खाना है, एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट है। हाँ बाहर जाकर देख माइग्रेंट लेबर कितने मुश्किल में है, तब पता चलेगी मुश्किल क्या होती है। मुश्किल बोलता है मुश्किल। तू सब सही कह रहा है यार, लेकिन दारू खत्म हो गई। दारू खत्म हो गई क्या? हाँ माइग्रेंट लेबर का बहुत कुछ बोल रहा था ना। वैसे वो उनकी मुसीबत है, पर ये मुसीबत तो हम ही लोग की है ना। हाँ वैसे इतनी जायदाद है ना,
तो इसके उसके पास काम करने की क्या जरूरत है? तू एक काम कर, मुझे हीरो ले और एक सिनेमा बना। ए, मेरे दादाजी की जायदाद नहीं है, मेरे भैया की है। मैं सिनेमा में ट्राई कर रहा हूँ, ये उनको पता चला तो जान ले लेंगे मेरी। वो मुझे पैसा क्या देगा यार? बिजनेस करूंगा बोल कर ले ले। बिजनेस करूं? हाँ। मेरे भाई को पागल समझ के रखा है क्या कि जो बोलूंगा मान जाएगा? फोकट में इतना बड़ा बंगला दे के रखा है ना, ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। सबकी तरह रोड पर घूमना होगा हमें भी। पता नहीं था भूत भी इतने सेक्सी होते हैं। वैसे यार इसकी शक्ल बहुत भयंकर जली हुई है, ये कैसे सेक्सी लगती है तुझे? अबे तूने उसकी शक्ल देखी है? लेकिन मैंने कुछ और ही देखा है। बहुत ठरक है रे तेरे अंदर अभी भी। वाह, ऐसी एक भूत भी मिल गई ना तो बस है यार। क्या था यार वो? पता नहीं यार, तूने देखा क्या? कहाँ चली गई वो? वहीं तो थी, कहाँ चली गई यार पता नहीं। तेरा फोन दे। फोन चाहिए? पता नहीं कहाँ चला गया यार फोन। अरे वहां पर है देख। ओ। मुझे लगता है वहां कुछ गड़बड़ है। हमारा ही रूम है यार, चल देखते हैं। ए नहीं नहीं यार, अरे वहां से कोई आवाज आया यार। अच्छा, तू जा पहले। भाई ये तो भूत है, लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक सेल्फी, स्माइल प्लीज, प्लीज स्माइल। स्माइल प्लीज, प्लीज एक स्माइल दे दो ना। Oh.
एक्टर एक्टर ए उठना यार ओए एक्टर ए भूत है यार ये उठ जरा एक्टर उठना यार एक्टर एक्टर देख जरा ध्यान से भूत है यार ये अरे क्या कर रहा है यार उठना जल्दी हे ए भूतिया कैसे आ गए भाई तो अपना प्रैंक वाला है यार अच्छा अरे कोरोना के डर से मर रहे हैं लोग और तू प्रैंक करके डरा रहा है लोगों को अरे एक तो भूत से हमें ऑलरेडी इतना डर लगता है यार डर है तुम्हें डर रुको दिखाता हूं तुमने क्या किया है अरे बाप रे तूने तो कैमरा भी लगाया था तुम दोनों कितने ठरकी हो कोई परवाह नहीं मुझे मैं बाइसेक्सुअल हूं अरे मार यार मार उसको अरे रात को खाना और बियर गायब हुआ था वो सब चुराने वाला तू ही था क्या सर आसपास हमने सब कुछ चेक कर लिया है डेड बॉडी हमें कहीं भी नजर नहीं आई तुम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने उसे भी चेक किया सर पर शायद लॉकडाउन के कारण 5 दिनों से कोई नहीं आया सर लेकिन सर 2 दिन पहले ये दोनों बहुत ही ज्यादा टेंशन में बाहर से आए थे घर पे यही है वो लड़की जिसकी हमें तलाश थी कॉन्स्टेबल ये मोबाइल का कॉल डेटा पूरा चेक करके डिटेल्स का पता लगाओ सर गुड मॉर्निंग रवि सर मैं जुबिली हिल्स के क्राइम सीन से बात कर रहा हूं ओके चोरी तो हुई है सर मर्डर मोटिव नहीं लग रहा है कोई बाहर से आया हो ऐसा भी नहीं लगता सब कुछ चेक किया हमने सर और यहां का पूरा कॉल डेटा भी चेक करवाया हमें कुछ भी नहीं मिला सर सस्पेक्ट अभी भी ड्रग्स के नशे में बेहोश है जब वो उठ जाएगा तो शायद हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले ओके तो फिर सस्पेक्ट को रिमांड में लो और प्रोसीजर फॉलो करो सर अभी लॉकडाउन में ये सब बहुत मुश्किल है सर हो नहीं सकता तो मेडिकल वालों को सौंप दो सर मेडिकल वालों की अभी क्या जरूरत है नारकोटिक्स वालों को भेज दीजिए काम हो जाएगा सर नारकोटिक्स वाले कैसे पहुंचे ठीक है अगर
ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। ओह सॉरी। व्हाट इज द सिचुएशन सर? सर ये एकदम टिपिकल केस है, समझ में तो आ नहीं रहा मेरे। इसने ड्रग्स लिया और ऐसे ही पड़ा हुआ है तब से। इसके ब्लड में अल्कोहल भी मिला क्या? सर ये जो भी बोल रहा है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है। सस्पेक्ट तो यही है ना? हाँ सर, आप किसी भी तरह इसे नशे से बाहर निकालिए। सुनिए सर, एक कॉल। इट्स ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। हेलो, बोलो। कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा? थोड़ा बिजी हूँ मैं। सब कुछ तो क्लोज है, फिर भी तुम अकेले काम कर रहे हो। वैसे तुम साइकोथेरेपी वालों से नॉर्मली तो कोई काम होता नहीं है, और अब काम कर रहे हो? वो सब मैं अभी नहीं बता सकता, सर बगल में ही खड़े हैं। बाद में बात करता हूँ। बाय, आई लव यू। आई हेट यू, बाय। इसी कारण लोग डिप्रेशन में जाते हैं। नाम क्या है? क्या करते हो? और ये मर्डर किस लिए किया? एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या काम करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आर यू मैरिड? हाँ। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 4 महीने। ओह, जस्ट 4 months। मर्डर तुमने किया है? हाँ, आई किल्ड हर। ओके, पर मारा किस वजह से? कुछ बात करनी थी ना? थोड़ा डर लग रहा है। मुझे देखकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शादी से हर लड़की को थोड़ा सा डर तो लगता है। वेरी बोरिंग। तुम और थोड़ा देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं बताऊँ तो लड़के को भी डर लगता है। ऐसा क्या, आपको भी डर लगता है क्या? व्हाट इज योर फेवरेट वेब सीरीज? नए परिवार में आते हैं, वही डर होता है। एक लड़की हमारे क्यूट लव स्टोरी, फैमिली इमोशंस, परिवार में घुल मिल जाएगी कि अच्छा ड्रामा, इस बात का डर होता है। फील गुड वेब सीरीज। शादी के बाद कोई हमें समझे, ये कैसे रहना है समझ नहीं आ रहा, ताकि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, आप कैसे भी रहिए मुझे पसंद आएगा। अभी तो आप ऐसा ही कहोगे, लेकिन बाद में। व्हाट इज योर फेवरेट?
लव लस्ट एंड कंफ्यूजन. व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट अ गर्ल विथ फुल फ्रीडम. द वे शी इज इंडिपेंडेंट एंजॉयज हर लाइफ नो रेस्ट्रिक्शंस. इट्स अ वेरी नाइस वेब सीरीज. विल वॉच दैट. हिंदी और तेलुगु? हिंदी तेलुगु बोथ. इफ यू वॉन्ट विल वॉच. That girl goes to Bombay. Yeah. शादी सेट होने के बाद बॉम्बे जाती है. वो सब अनयूजुअल स्टफ करती है. That one. It's a nice series. I hate those types of cheap characters. That cheap stuff. Better we will watch this. समझ नहीं आ रहा. डरिए मत, हिम्मत से कहिए. ठीक है, ये बताओ तुम्हारी फैंटेसी क्या है? दो बच्चे, एक छोटा सा घर, एक हैप्पी फैमिली. ओके, नॉट दिस फैंटेसीज, सेक्सुअल फैंटेसीज. द होल प्रोसेस ऑफ हैविंग सेक्स इज टू हैव किड्स. ओके, प्लेजर के लिए सेक्स करेंगे तो मेरे दृष्टि में वो बहुत बड़ा पाप है. I'm feeling sleepy. I'll go to sleep now. यहीं पर सो जाओ ना. I told you, I need some space. Okay. Okay, I'll just go to sleep. ठीक है. Good night. Hi. Thank you.
तो आज हम जानने वाले थे एंड्रॉइड फोन्स के बारे में, एंड्रॉइड फोन हैकिंग के बारे में, और किस तरह से ये पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जितने भी वीडियोस अब तक देखे होंगे इंटरनेट पे ऑनलाइन, सभी वीडियोस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले का जो फ़ोन है वो हमें ज़रूर चाहिए। उस फ़ोन पे जाओ, सेटिंग्स करो, ऐप इंस्टॉल करो, और एक बड़ा गुड मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून। रात को तुम जल्दी सो गई थी ना, तो फिर इतना लेट क्यों हो गया? आई जस्ट गॉट अ बैड ड्रीम, मुझे नींद नहीं आई, सो आई वॉच्ड अ मूवी। यू ऑल्सो वॉच दैट मूवी? वेरी नाइस मूवी। हेलो या हाय, व्हाट्सएप? तुम्हें वाईफाई मिल रहा है क्या? नो, आई एम यूजिंग माई मोबाइल डेटा। जस्ट कॉल देम। नो, हाँ हेलो हेलो, वेलकम टू एक्ट फाइव। हेलो, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हेलो सर, बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मेरा नेटवर्क खराब है। हेलो, एक्ट फाइबर बोल रहे हैं? हेलो हेलो, एक्ट फाइबर बोल रहे हैं? हेलो, हाँ सुबह से हमारा नेट बंद है। हाँ या ओके ओके, हाँ मैं कर दूंगा, आई विल मैनेज। हाँ शुक्रिया। Feeling tired. मैं जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ ठीक है।
Hey, are you still working? Come, let's go have dinner. Okay, आ रहा हूँ. How was your day? कुछ खास नहीं. क्यों, क्या हो गया? काम नहीं हुआ. कौन सा काम? इन्वेस्टिगेटिंग वर्क. हाउ इज इट गोइंग? ओके, गोइंग फाइन. सून आई एम गोइंग टू फाइंड द विक्टिम. सो इट्स डीबगिंग जॉब देन? या. टेस्ट फॉर योर पेशेंस. So much. So much. क्या हुआ, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? बहुत हेक्टिक वर्क है ना मेरा, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस मेरे लिए चल जाता है. तुम्हारा चेहरा देखूं, कैसा हो गया है? इतना स्ट्रेस मत लो, तो कर लेगा यार, काम ही तो है, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा. कौन है वो? सिस्टर. ओ, सिस्टर है. तो क्या कह रही है तुम्हारी सिस्टर? We have planned a con call. I think I should take this call. You finish it and I'll be up. हाँ, बस अभी खाना खाया, वो भी अच्छे हैं. आपकी तबीयत ठीक है ना? टाइम पर दवाइयाँ लेते रहिएगा. नहीं, ऑफिस तो नहीं जाते, घर से ही काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है ना. दीदी ने भी फोन किया था. हाँ, सब अच्छा है. वैसे मैं बताना भूल गई थी, उस दिन मोनिका ने फोन किया था, उसकी शादी तय हो गई है. बहुत एक्साइटेड लग रही थी वो. वैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, क्या कहूँ. क्या करूँ, टाइम ही ऐसा है.
Actually, he's not married, sir. Case seems a little difficult. इसका रूम कहाँ है? ऊपर है सर. देखें क्या? Let's go. सर आईटी डिपार्टमेंट सर. लैपटॉप लॉक हो गया है, जरा देखो ना इसे. ओके सर. लाइट करेंगे सर? नो, जस्ट फॉर फील. दैट्स गुड. सर ओपन हो गया सर. ओके. वेट, व्हाट्स दिस? इट्स अ हैकिंग सॉफ्टवेयर सर. मतलब क्या हैक किया होगा? इसमें किसी का मोबाइल फोन हैक किया है सर. इसमें इनका टिंडर चैट है सर. इतना ही है. हम इसे ट्रेस कर सकते हैं? नहीं सर, मुश्किल है सर. पर किसी लड़की का फोन है सर. यार इस केस ने तो पूरी तरह से दिमाग ही खराब कर दिया है. परेशान हो गया हूँ. हाँ सही कह रहे हो, मेरा भी दिमाग खराब हो गया. कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या हुआ है? एक्टर, एक्टर सर, सर वो उठ गया है सर, चिल्ला रहा है. ओके. क्या हुआ है? एक्टर हट जाओ वहां से, टच मत करो. एक्टर यहां से दूर. अरे एक्टर को क्या हो गया? एक्टर मेरी बात सुनो. अरे किसने मारा इसे? तुम वहां नहीं जा सकते. एक्टर सुनो. नहीं एक्टर. सर किसने मारा उसे? हाँ वो बताओ मुझे, यहां पे क्या चल रहा है आखिर? हे हे रिलैक्स रिलैक्स. Relax, 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 relax. Please relax. I'll tell you. I'm a doctor. Please sit down. Relax. क्या हुआ है? बोलो. I will tell you everything. Relax. First you relax. सब बताता हूँ. मैं एक-एक बात बताऊँगा. Please relax. ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था. एम्बुलेंस वालों को ऑलरेडी बुला लिया है. It's on the way. First you cool down. Cool down. I'll explain everything. First you relax. Okay? Okay? हाँ. Just have a cigarette. Have it, bro. Have it. First, you relax, okay? I'll explain everything. घर में कितने लोग रहते हैं? बस दो लोग. और कोई लड़की भी रहती है? लड़कियां? नहीं तो मैं और एक्टर बस दो ही लोग. वैसे कभी किसी लड़की का फोन हैक किया था? नहीं, मुझे हैकिंग नहीं आती है. ओके ओके. इस लॉकडाउन के टाइम में तुमने क्या किया? लॉकडाउन में Thank you.
उठ यार, ए, उठ ले, पी, उठ पी, ले, ले, पी ले, पी ले, नहीं है क्या? मिल गया क्या यार? हाँ। मिल गया क्या? नहीं, चल बाहर जाकर लेके आते हैं जो भी मिलता है। हाँ चलेगा, ले आ। ब्लैक में मिलता है तो ब्लैक में ही खरीद लेंगे, तो चल मेरे साथ। अब तो मुझे चाहिए। देख सकते हैं, नियमों का उल्लंघन करके रोड पर घूमने वाले को लाठियों से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रोड पर घूमने वाले युवक को पुलिस ने अच्छे से पाठ सिखाया है और साथ ही ऑटो ड्राइवर को भी अच्छा सबक सिखाया। अरे यार, बहुत मारा पुलिस वालों ने। It's no secret that exercise is good for you. But what you probably don't know is that there's a very strong body of evidence, like good scientific research, that says that exercise is one of the best ways to deal with drug cravings. So in this next video, you're gonna hear from Dr. John Rady of Harvard University. मुझसे नहीं होगा यार ये body exercise मुझसे नहीं होगी, brain exercise चाहिए मुझे। तो फिर जाकर एक story लिखना, कितने दिन AD का काम करेगा। मैं तो स्टार्ट कर दूंगा भाई, फिर तू क्या करेगा बोल? मैं मेथड एक्टिंग सीखूंगा। जरूरत है तुझे भी, हाँ? इस हाइट को, इस टकले को कौन देगा भाई चांस तुझ जैसे को? क्या कहा? क्या कहा तूने? क्या इन्हें जानता है तू? इसको तो जानता हूँ, ये बगल में छपरी है ना, उसे नहीं जानता मैं। एक टाइम में ये भी ऐसे ही थे, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता था, पता है ने? एक चांस मैं भी दिखाऊंगा। अच्छा खासा काम करता था मैं, तुम लोग आए
खाना खाना है क्या? नहीं, मेरे को तो बहुत भूख लगी है। यहाँ लेके आए मुझे, इतना मारे मुझे, इतना मारे मुझे, मेरा गला सूख रहा था। ना खाने को दिया, ना पीने को दिया, घोट घोट के मारे मुझे। आ, 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 मेरे पास एक सिगरेट है, जलाने के लिए बात चीज नहीं है मेरे पास। अरे कैसा पागल आदमी है गंजा। हीरोइन ने मेरे पास जलाने के लिए माचिस नहीं है मेरे पास। भाई, ए भाई, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। निकालो मुझे बाहर, निकालो, निकालो मुझे बाहर, निकालो। भाई इधर 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 बंद किया है मेरे को, इधर जिंदा आदमी को यहाँ बंद किया। भाई एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने के लिए माचिस नहीं है भाई। दिमाग में नहीं आ रही है यार। स्टोरी आ नहीं रही है क्या? स्टोरी का पता नहीं, लेकिन मुंह में आ जाएंगे। लो बजट में दो एक्टर की स्टोरी लिखना इतना मुश्किल काम है तू जानता है क्या? वैसे काफी किताबें पढ़ रहा है ना तू? क्यों? क्या है बे? हाँ? निकालना। मस्ती बहुत चढ़ी है। ऐसा क्यों तैयार हुआ है बे? स्टोरी दिमाग में आ गई,
इसीलिए फील के लिए गेटअप डाल लिया। सेम जोकर की तरह लग रहा है, पता है तुझे? चड्डी चड्डी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंग डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर साइजेस फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सबके लिए मिलेगी हर शेप में। नीली पीली सतरंगी छिपकली रात के राजा डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली नाड़े वाली बिना नाड़े वाली प्लास्टिक वाली चड्डी, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम डोरेमोन पंच चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट वाली चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, खेलो कबड्डी टूट जाएगी पर नहीं फटेगी चड्डी। ए चड्डी चड्डी चड्डी, ए पलट, तेरा ध्यान किधर है? चड्डी वाला इधर है। क्या हल्ला मचा रहे रे तू? सिर्फ तुझे ही गेटअप डालना आता है क्या? मुझे नहीं आता क्या? हट पागल साला। एक्टर, एक्टर, यहाँ पे आना यार, यहीं पे एक लड़की थी यार। हाँ? यहीं पर। कहाँ चली गई? कहाँ है यार? अरे अभी यहीं पे तो थी, मैंने उसे यहीं पे देखा था यार। तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है बता? अरे यहीं थी मेरे भाई। देख, सुबह सुबह ऐसे दिमाग खराब करना बंद कर दे। एक्टर, एक्टर, अरे एक्टर, ये देख यही तेरे सामने दोनों लोग बैठे हुए हैं। ये देख, ये दोनों बैठे हैं ना? हैं? ये देख, ये दोनों तुझे भी दिख रहे हैं ना? तुझे भी दिखे ना भाई? पागल है क्या बे तू? सुबह सुबह दारू पीकर हल्ला कर रहा है, कहाँ है बे भूत? ए, यहीं पे थे यार। कहाँ पे? यहीं पर। सुबह सुबह दारू पीना बंद कर दे यार, सेहत और मेरे लिए अच्छा होगा। इट्स एक्चुअली चेंज इन पर्सनैलिटी। दूसरी पर्सनैलिटी कौन है ये हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। दैट्स इट सर। हाँ, मुझे लगता है कि मारने वाला पति ही ये सब करवा रहा है। अच्छा? हाँ सर। टेक्निकली कहूँ तो भूत होते ही नहीं है, बकवास है। नहीं सर,
आसपास मैंने इंक्वायरी की तो यहाँ भूत है उन्होंने कहा है सर। या तो फिर वो कहानी बना रहे होंगे या फिर ये भ्रम होगा उनका, दैट्स इट। एक या दो लोग कहेंगे तो भ्रम कह सकते सर, सब वही कह रहे तो क्या करें। भूत होने की गारंटी दे सकते हो? नहीं होने की गारंटी दे सकते हैं आप सर? इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, जिन्होंने तुम्हें भूत की कहानी बताई उन सबको यहां लेकर आओ, जाओ। एक बार स्क्रिप्ट देखें क्या? हाँ देख लेते हैं। Then move. स्क्रिप्ट खुल गई है सर। ठीक है तुम जाओ। ठीक है सर। सर उन्हें ले आया हूं सर। ओके, एक एक करके बुलाना उनको। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। तुमने उस भूत को कहाँ देखा था? सर बालकनी में देखा था सर। किस टाइम पर? 12:30 को देखा था सर। तूने खुद देखा था या किसी ने कहा और तूने मान लिया? सच में सर मैंने देखा सर, अपनी आंखों से देखा सर। बहुत भयंकर था वो सर, सफेद साड़ी खुले बाल ऐसे देख रही थी सर। मैं डर गया सर, बहुत डर गया सर मैं। ओके ठीक है तुम जाओ और पीछे वाले रूम में वेट करो। सर ये रूम में? हाँ, वही रूम बगल में। ओके सर। नेक्स्ट कौन है उसे बोला? अच्छा भूत को खुद देखा था या किसी ने कहा और मान लिया? मैंने खुद देखा था सर, अपनी आंखों से देखा था। अच्छा ठीक है, भूत मर्द था या औरत थी? औरत थी सर, औरत, सफेद साड़ी पहनकर थोड़ी भयंकर दिख रही थी सर। तो ये बात तुमने कितने लोगों को बताई? सर मैं अपने दोस्तों को भी बताया और आसपास जितने भी कॉलोनी में थे सभी को बताया। अच्छा तुमने एक ही भूत देखा या एक से ज्यादा भूत थे वहाँ पर? सर 2-3 लोगों को भी देखा मैंने। ओके ओके, रिसेंटली मतलब लास्ट टाइम तूने भूत कब देखा? 4 दिन पहले सर। ठीक है पीछे वाले रूम में वेट करो जाकर। कांस्टेबल सर अब सबको बुला के ले आओ। ओके सर। सुनो भूत को लेकर आ जाओ। ओके सर। देखो इसी भूत को देखा था ना तुमने? नहीं सर ये नहीं है सर। नहीं सर ये वो नहीं है सर। ये जो भूत देखा ये वो नहीं है सर। इनमें से एक मिसिंग है ना, उसे भी लेकर आओ। सर 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 यही है सर जिस भूत को मैंने देखा था। हाँ यही है सर। ए जरा अपनी शक्ल दिखाओ। तू तेरी तो तू है क्या? तेरी तो ए, ए, ए। हट जा। 4 दिन से सो नहीं पाया इसके कारण सर मैं। तेरी तो पीछे हो जा। देखो इस केस में तुम सब के सब सस्पेक्ट हो, अगर किसी ने भी झूठ बोला तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर मुझे इसने बताया था सर। मुझे भी इसने ही बताया था सर कि यह भूत है। मुझे इसने बताया? मैंने देखा था सर। ओके कांस्टेबल सर इन सबको जाने दो। ओके सर। कांस्टेबल फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी इज इनमें से किसी ने भी भूत को डायरेक्टली नहीं देखा है,
किसी और के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस जैसा महसूस करके हमें बताया। यू गॉट इट? एक और बात, उसने भी भूत को डायरेक्टली नहीं देखा था। हर एक भूत की स्टोरी में यही होता है, ठीक है? ओके सर। अच्छी बात है। और सर, आपको समझ में आया? यस, मैं समझा। वैसे विक्टिम का मोबाइल कहाँ है? यही है सर। कांस्टेबल, मोबाइल लेकर आओ। यस, आई गॉट इट। ये मर्डर उसी ने किया है। उसी ने? वही तो कह रहा था सर कि ये मर्डर उसी ने किया है। हमें ये जानना है कि ये क्यों किया उसने, और उसके अंदर का वो सॉफ्टवेयर वाला कौन है, और उसकी बताई हुई लड़की कहां है। आपको इसके डिटेल्स चाहिए? चलिए बताता हूं, वही उगलेगा सब कुछ। लेट्स गो। So you are into software? Software? नहीं, मैं तो एक फिल्म मेकर हूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपना लैपटॉप लेकर के ऊपर गया, फिर एक कहानी लिखना शुरू कर दिया मैंने। एक्टर, ये पढ़ना जरा। क्या है ये? स्टोरी लिखी है मैंने। मेरे लिए? कैसी है पढ़ के बता तू मुझे। कौन है भैया? तुम्हें भी दिखाई दिया नहीं ये? आगे तो पढ़, मेरी स्टोरी में हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है।
क्या सीन लिखा है यार तूने? तूने ब्लू फिल्म की स्टोरी लिखी है क्या? ए भाई चुप करके पढ़ना तू थोड़ा। स्टोरी लिखा है तूने? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। लव वर्सेस लस्ट, सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन एंड सेक्सुअल डिफरेंसेस लीडिंग टू अ बैड फेज, यही है अपनी स्टोरी बस। तो ये कैरेक्टर्स बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अभी मैंने डायलॉग वर्जन लिखा नहीं है ना। ओह, तो स्क्रिप्ट मुझे भेज। हीरोइन के डायलॉग्स मैं लिखता हूँ, हीरो के डायलॉग्स तू लिख। ठीक है, भेजता हूँ तुझे। चल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे उठते ही तुम सब यहां थे और उसके बाद नहीं, इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, याद करने की कोशिश करो। नहीं, याद नहीं आ रहा है। नो, याद आ जाएगा। ठीक से सोचो, थोड़ा जोर लगाओ, ध्यान दो जरा, कूल होके सोचो, आ जाएगा याद। कोशिश करो, आ जाएगा याद। कम ऑन, ध्यान से सोचो। कम ऑन, टेल मी यार, व्हाट हैपेंड? मैंने उसे मारा है। मतलब ये सब इसने अपनी कल्पना में किया, लेकिन इसने इसे मारा क्यों? I'll explain everything। ड्रग्स की आदत की वजह से सडनली जब इनको ड्रग्स नहीं मिला, मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। और दोनों ही सेम फील्ड मूवी से हैं। इन्होंने जो कैरेक्टर लिखा उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। सो इन द फर्स्ट स्टेज हैल्यूसिनेशन से स्टार्ट होके जब इन्होंने अपने ही द्वारा क्रिएटेड कैरेक्टर्स को वॉइसेस देने शुरू कर दिए, सो एक्चुअली दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक देयर कैरेक्टर्स। आई कांट बिलीव दिस सर, हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स एक्चुअली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सिगरेट को जलाए बिना इसे पकड़ के फील ले सकते हैं, इसे टच करते हुए या स्मेल करते हुए, वैसे ही वो अपने कैरेक्टर्स को फील करने लगे। द डिफरेंस इज यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट बट दे आर नॉट। बट इन सब का प्रूफ क्या है सर? द फोन ऑफ विक्टिम। कांस्टेबल, ग्लव्स नहीं चाहिए, बस फोन दे दो। इसे यूज करने का पैटर्न देखिए। ही एक्चुअली क्रिएटेड अ टिंडर अकाउंट विथ अ नेम कॉल्ड न्यूली मैरिड वाइफ एंड स्टार्टेड चैटिंग विथ मेन एंड बींग अ राइटर। He started using hacking software in his laptop
असल में ये सब उन कैरेक्टर्स में ओवरली इन्वॉल्व होने के बाद आए हुए चेंज ऑफ बिहेवियर्स हैं। इस डिसऑर्डर का कोई नाम है क्या? सबका नाम नहीं होता। नाम तो जरूर होगा सर, कुछ भी कहते हैं आप भी। ISHD व्हाट? इंड्यूस्ड हैलुसिनोजन स्किजोफ्रेनिक डिलीरियम। समझ में नहीं आया ना? आई नो, इसलिए नहीं बता रहा था। इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दैट्स इट। तो केस सॉल्व हो गया ना? हाँ, हो ही गया। डॉक्टर, लेट्स गो। केस सॉल्व हो गया। हाँ, जस्ट वेट। कम ऑन। सर, ये डिसऑर्डर का नाम कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं। कैसे पढ़ते तुम कभी? अभी अभी तो इजाद किया है इस नाम को। समझा नहीं सर। जितने भी नाम सुने हैं किसी ने तो रखा ही होगा। तो एक नाम मैंने रख दिया। सो बिहेवियर एंड सिम्टम्स, सारे मटेरियल तैयार कर लो, आर्टिकल रिलीज करते हैं। ओके ओके सर। सो इसका नाम डिस्कवर्ड बाय, लेट्स गो। वहां कोई नजर आ रहा है क्या? वहां कोई नहीं है सर। ఆవరమే శతకోటి జీవితాలు సుఖమయ్య మగనే జనులందరి మదిలో ఓ రైటర్ గా మిగిలి మానసిక పక్షవాతంతో నేను తుమిలే కడుపులో రగిలే బాధ పేపర్ పై రాగా దినదిన గడిచిన సమయం సాయంత్రం కాగా వెలుతురు వెతికిన రైటర్ జీవితం లాగా చెరలు నన్ను చీల్చి ఆ తెరపై మీ బాధ I'm a rider, igniter, creator, narrator. I'm a rider, igniter, creator, narrator. కథమున కవులందరూ మన పాలిట భువనేంద్రులు తల వంచరు పెనడెల్లరు తన రథమే తన సొంతము జన జన్మ భూమి కల కలలో మానుష్య ఇసుక వేసి వెతికిన రైటర్ల అదృశ్యం వనవాసం మిగిలి సర్వస్వం వదిలి చెత చేర్చిన జానపదం జీవితంతో కదలి రణరంగం విలువ పది మందితో పొలువ వెతి వెతికిన దొరకని కథ నాయకుడై పదరా కడుపులో రగిలిన
బాధా పేపర్ పై రాగా దిన దిన గడిచిన సమయం సాయంత్రం కాగా వెలుతురు వెతికిన రైటర్ జీవితం లాగా చెరలో నన్ను చేర్చి ఆ తెరపై మీ బాధ I'm a writer, igniter, creator, narrator. I'm a writer, igniter, creator, narrator. They call us writers, huh? Cause we wipe on the ground. Let's go.